बाड़मेर जिले में बेखौफ अपराधियों ने दो पत्रकारों पर हमला किया, जिसमें एक पत्रकार की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन अभी तक आंखें बंद कर बैठा है। बड़ा सवाल तो यह है कि थाना पचपदरा सीआई राजेंद्र सिंह व पुलिस चौकी पाटोदी धनाराम मुंशी की दादागिरी मीडिया को लताड़ा पुलिस थाना पचपदरा के पाटोदी गांव में चल रहे मेले में हुई हाथापाई, वहां मीडिया को कवरेज करने से रोका। पचपदरा सीआई और धनाराम मुंशी वीडियो में साफ तौर पर पुलिस प्रशासन कह रही है सही पत्रकार हो कोई भी हो वीडियो नहीं उतार सकते, फिर भी पत्रकार ने कवरेज किया उसके साथ अभद्रता की। सीआई नहीं बोला कि चल थाने तेरी पत्रकारिता, वहीं बताते हैं मीडिया से कि पुलिस प्रशासन ने झड़प बोला कि तेरी पत्रकारिता उतार दूंगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बाड़मेर जिले में अपराधियों ने पिछले 24 घंटे में दो पत्रकारों पर हमला, एक की हालत गंभीर, अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं है। पत्रकारों के ऊपर दिन दहाड़े ऐसे हमले किए जा रहे हैं जो कि फुगेरा क्षेत्र में है, और वहाँ पे किसी ने काले रंग की स्कॉर्पियो थी जो उसमें उतरे चार पांच आदमी और उनके साथ मारपीट भी की, और पांव में फ्रैक्चर है और हाथ में फ्रैक्चर है। अभी इलाज चल रहा है, रिपोर्ट देने का कहा है तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में रिपोर्ट दूंगा। चोटें कितनी लगी है? चोटें पांव पे और हाथ पे लगी है और फ्रैक्चर होने के चांस है, क्योंकि अभी तो वो एक्सरे वगैरह करवा के देखेंगे। विवाद का उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखता हूँ तो ऐसी कोई बताया कि तू ऐसे लिखता है वैसे लिखता है, तो पत्रकार है तो ऐसी कोई चीज के बारे में बताया। कितने लोग थे हमला करने वाले? चार पांच का बताया। चार पांच लोग किस किस गाड़ी में आए थे? काले रंग की स्कॉर्पियो।